हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, कंजंक्शन। और इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में कंजंक्शन के कुछ बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा, और बेसिक्स को समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो एडवांस क्लासेस आएंगी जिसमें मैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा, उनको यदि आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, कुछ बेसिक आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये पार्ट वन है, इसमें हम कंजक्शन को देखेंगे कि क्या होता है ये। देखिए, कंजक्शन होता क्या है ये आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा। कंजक्शन एक्चुअली दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को लिंक करने का काम करते हैं। कंजक्शन जो होता है वो केवल लिंक करने का काम करते हैं दो दो एलिमेंट्स को, चाहे दो फ्रेजेस हो चाहे दो वर्ड्स हो। तो इस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि कंजंक्शन एक लिंकिंग वर्ड होता है जो लिंक करने का काम करता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब आपने एक वर्ड और सुना होगा, कनेक्टर। तो इंग्लिश ग्रामर में कनेक्टर क्या होता है और ये कंजंक्शन से किस तरीके से अलग होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कनेक्ट करने का काम कंजंक्शन के अलावा कुछ दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच भी करते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। तो ये भी कनेक्टर हैं, लेकिन इनमें और कंजंक्शन में डिफरेंस क्या है? देखिए, कंजंक्शन केवल और केवल कंबाइन या लिंक करने का काम करते हैं कंजंक्शन, लेकिन ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ या रिलेटिव एडवर्ब हुआ या प्रपोजिशन हुआ, ये लिंक करने के अलावा कुछ और भी करते हैं। ये किसी किसी वर्ड को मॉडिफाई करते हैं या किसी एंटीसीडेंट को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इनका काम लिंक करने का भी है और लिंक करने के अलावा कुछ दूसरा इनका काम भी है। तो ये अंतर है कंजक्शन में और प्रपोजिशन में, या कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में। ठीक है, तो आपको इनके नाम से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कंजक्शन में क्या और कंजक्शन क्या होता है और प्रपोजिशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कंजक्शन केबल और केबल लिंक करने का काम करता है। अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच मेयरली जॉइंस टुगेदर टू और मोर वर्ड्स और क्लॉजेस और सेंटेंसेस। मेयरली मतलब केबल, ये केबल ज्वाइन करता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। ठीक है, और ये दूसरे जो वर्ड होते हैं जैसे रिलेटिव एडवर्ब, प्रपोजिशन या रिलेटिव प्रोनाउन, ये लिंक करने के अलावा इनका कुछ और काम भी होता है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, आई लाइक बुक्स एंड ही लाइक्स टॉयज। तो इस एंड के थ्रू हम इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एंड जो है ये कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एंड केवल लिंक कर रहा है इन दो क्लॉजेस, बोल सकते हैं आप इन दो क्लॉजेस को या इन दो पार्ट्स को। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में मैं कुछ बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है ये बेसिक्स आपको पता हो, लेकिन एक बार इनको हम ब्रशअप कर लेते हैं। अब देखिए, ये वाला सेंटेंस देखिए, ही इज़ द मैन हु टीचेस अस इंग्लिश। तो इसमें हु जो है, हु क्या है, उसमें हु किसके स्थान पर आया है? ही इज द मैन टीचेज अस इंग्लिश। यदि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ें तो मैन के स्थान पर, जो सेकंड वाला मैन है उसके स्थान पर आपको हु को रखना पड़ेगा, यानी ये एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है जो कि मैन के स्थान पर आया है, मैन के लिए आया है, इसका एंटीसीडेंट मैन है, और ये इन दोनों सेंटेंसेस को रिलेट भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस वर्ड को हम बोलते हैं, इस वर्ड को यहाँ पर हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन, ही इज़ द मैन और टीचेज अस इंग्लिश, इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइंड लिंक कर रहा है, प्लस इसको इसको भी रेफर कर रहा है, इस मैन को भी रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है और ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये अंतर होता है। अब देखिए, ये वाला सेंटेंस देखिए, इसमें हमने बताया है कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। यहाँ पर देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर वी गॉट मैरिड। तो वेयर क्या कर रहा है इसमें, वेयर इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इस तरीके से ये एडवर्ब की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है,
लेकिन ये प्लेस को, प्लेस के लिए आ रहा है, ये प्लेस को रिलेट कर रहा है, ये प्लेस इसका एंटीसीडेंट है। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों पार्ट्स को ये लिंक भी कर रहा है और प्लेस को रिलेट भी कर रहा है और इस वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब, ये होता है रिलेटिव एडवर्ब। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई टीच डेली एक्सेप्ट संडे, ठीक है। तो एक्सेप्ट क्या है, यहाँ पर प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन क्यों है, क्योंकि प्रपोजिशन किसको, किसकी किसकी पोजिशन को बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। तो किसी वर्ड के बाद यहाँ पर नाउन आ रही है, तो नाउन आ रही है तो इसका मतलब ये प्रपोजिशन है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस आता है, ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है आई टीच डेली, और यहाँ पर भी एक सेंटेंस आता है, तो फिर ये एक्सेप्ट जो होगा ये कंजक्शन की तरह काम करेगा। यहाँ पर चूंकि संडे एक नाउन की तरह है, एक चीज़ का नाम है, एक डे का नाम है, तो इसलिए एक्सेप्ट यहाँ पर है प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन क्या करता है, प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन को बताता है और नाउन या प्रोनाउन को पूरे सेंटेंस के साथ मिक्स कर देता है, ये लिंक कर देता है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, प्रपोजिशन भी लिंकिंग का काम करते हैं, लेकिन कंजंक्शन केवल और केवल लिंकिंग का काम करता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, प्रपोजिशन, इसके अलावा भी कुछ और उनका काम होता है सेंटेंस में। तो ये बेसिक थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कितने तरीके के कंजक्शन होते हैं, देखिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और ये स्कूल स्टूडेंट के लिए तो सही है क्योंकि स्कूल में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टाइप ऑफ कंजक्शन कितने होते हैं, लेकिन जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं बैंकिंग या SSC, उसमें इनका यूज़ आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर इसको सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पर गलत, ये टाइप्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिक जो कंजक्शंस होते हैं वो तीन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये है कि दो इक्वल एलिमेंट को ये जोड़ते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। यदि यहाँ से आप कंजक्शन को निकाल भी दें तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, उसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इस डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इसको इसको सेपरेटली आप नहीं बोल सकते, इसका सेपरेटली मीनिंग नहीं निकलेगा, जब इसको इसके साथ जोड़ देंगे तभी इसका मीनिंग निकलेगा। तो इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप सबऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या कौन से होते हैं, जैसे एंड होता है, बट होता है, ठीक है, और होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे बिकॉज या सिंस या एज होता है। कोरिलेटिव कंजक्शन जो कोरिलेट करते हैं दो पार्ट ऑफ स्पीच को, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ, इधर और हुआ, नीदर नॉर हुआ, ये होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तो मेनली ये तीन तरीके के कंजक्शन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन इसके अलावा दो और आप मान सकते हैं, एक तो होते हैं कनेक्टर और एक होते हैं पेयर्ड कंजक्शन। कनेक्टर क्या होते हैं, कनेक्टर एक्चुअली यूज होते हैं, जैसे कंजक्शन में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे ये वर्ड हैं, एंड है, और है, बट है, कॉज है, सिंस है, एज है, ये है कंजक्शन। कनेक्टर होते हैं दो या तीन वर्ड के जो फ्रेजेस होते हैं, जैसे इन एडिशन टू होता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी होता है, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट होता है, ये इनका यूज़ हम करते हैं दो बड़े बड़े, दो या तीन बड़े बड़े सेंटेंसेस के बीच में, ठीक है। चार 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 लाइन के दो सेंटेंसेस हैं, उनके बीच में हम इन एडिशन टू दैट, डिस्पाइट द फैक्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस तरह के फ्रेजेस का हम यूज करते हैं, इनको इनको हम बोलते हैं कनेक्टर्स, ठीक है। नॉर्मली ये बड़े बड़े सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उसके बीच में ये आते हैं। पेयर्ड कंजक्शन जो होते हैं वो होते हैं पेयर में होते हैं, जैसे आपने सुना होगा नो सूनर, तो नो सूनर के साथ हम देन लगाते हैं, नो सूनर और देन का एक पेयर है, ठीक है। हार्डली और स्केसली के साथ हम वेन लगाते हैं, इन दोनों का एक पेयर है, तो ये पेयर सही तरीके से यूज करना चाहिए या होना चाहिए, तो इनको हम बोलते हैं पेयर्ड कंजक्शन, ठीक है। और कनेक्टर जो जो फ्रेजेस होते हैं, जैसे इन एडिशन टू हुआ, ऑन द कॉन्ट्रेरी हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट हुआ, तीन या चार वर्ड के जो जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिंग फ्रेजेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कनेक्टर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा होना चाहिए।
अब सैम्पल सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। देखिए, आई लाइक टू सिंग बट शी लाइक्स टू डांस। मुझे गाना पसंद है लेकिन उसको डांस करना पसंद है। तो बट क्या है यहाँ पर? बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये इक्वल, ये इंडिपेंडेंट हैं, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट भी इनका मीनिंग निकल जाएगा यदि इसको आप हटा भी दें तो भी, मतलब ये सेंटेंस इस पर डिपेंड नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है? तो बट क्या हुआ है? बट यहाँ पर हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको आप कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं। तो ये है थोड़ा सा, और ये देखिए, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए, बिकॉज ही वॉज सिक ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, चूंकि वह बीमार था इसलिए वो मीटिंग में नहीं आ पाया। तो इसमें देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है, क्या इस सेंटेंस को आप इसके बिना बोल सकते हैं? ये सेंटेंस जो है ये पूरी तरीके से इस मेन क्लॉज पर डिपेंड है, ठीक है? और ये जुड़ा हुआ है बिकॉज, बिकॉज इसमें शुरू में भी आप लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज सिक। तो बीच में भी, यहाँ पर भी इसको आप लगा सकते हैं सबऑर्डिनेटर को, और शुरुआत में भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं इसको आप। तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है ये वाला, और एक ये मेन क्लॉज है, और इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटर, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन, जैसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या होता है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आता है वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद आता है। ये एक सही इसमें पैटर्न है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जैसे नॉट ओनली के बाद इसमें डिलीजेंट आ रहा है, डिलीजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। बट ऑल्सो के बाद इंटेलिजेंट आ रहा है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। तो ये सही है सेंटेंस, और इसको हम बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन लेफ्ट कर गई, ट्रेन ने छोड़ दिया, वहां से स्टेशन छोड़ दिया। तो ये है पेयर्ड कंजंक्शन, जैसे नो सूनर के बाद हम देन ही लगाएंगे। यदि यहाँ पर आप देन के स्थान पर THEN कर देते हैं, या देन के स्थान पर वैन कर देते हैं, या कुछ और वर्ड कर देते हैं, तो ये सेंटेंस आपका जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है? नो सूनर चूंकि एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके बाद हम आई डिड नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम डिड आई लिखेंगे, यानी पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आएगा। तो ये भी एक रूल है, और इसको भी आप ध्यान रखें। अब देखिए, ये है आपका कनेक्टर, डिस्पाइट द फैक्ट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मर्सिडीज कार इज वेरी एक्सपेंसिव, अ लॉट ऑफ पीपल बाय इट। मतलब इस फैक्ट के बावजूद कि मर्सिडीज कार काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी काफी लोग इसको खरीदते हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट एक एक कनेक्टिंग फ्रेज है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर, इसको कंजंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो या तीन शब्द हैं, ये कनेक्टिंग फ्रेज है, ठीक है? नॉर्मली लंबे लंबे सेंटेंसेस में इसको हम बीच में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये सही है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या है, पेयर्ड कंजंक्शन क्या है, और कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, ठीक है? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने जोड़ा है इसमें, पिज्ज़ा एंड बर्गर्स आर माई फेवरेट स्नैक्स। तो ये काफ़ी सिंपल है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन काफ़ी सिंपल है, और इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नॉर्मली दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को ये जोड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, द ट्रेजर वॉज हिडन इन द केव और इन द अंडरग्राउंड लेगून। तो इन द केव एक प्रपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पर, और एक फ्रेज ये है इसमें, इन द अंडरग्राउंड, इन दोनों को इसने जोड़ा है कोऑर्डिनेटर ने, ठीक है? तो यहाँ पर ये मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये काम करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, वॉट दोज गर्ल्स से एंड वॉट दे एक्चुअली डू आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये दो क्लॉजेज हैं, दो डिपेंडिंग डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, वॉट दोज गर्ल्स से, यहाँ तक आएगा ये, एंड वॉट दे एक्चुअली डू, मतलब वो लड़कियां क्या कहती हैं और क्या करती हैं, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये क्या है, वॉट दोज गर्ल्स से इज क्वाइट इंटरेस्टिंग,
ये एक्चुअली क्लॉज है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो डिपेंडेंट क्लॉज को भी यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेटर है ये जोड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब डिपेंडेंट क्लॉज को ये जोड़ता है एंड, तो इसके पहले हम कॉमा नहीं लगाते, इसमें कॉमा की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब इंडिपेंडेंट को जोड़ता है तो उसमें हम कॉमा लगाते हैं, ये अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरीके से पंक्चुएट करते हैं, कॉमा का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, इन जॉइनिंग टू वर्ड्स फ्रेजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस टुगेदर अ कॉमा इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द कोऑर्डिनेटरी कंजंक्शन। यदि दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को और डिपेंडेंट क्लॉजेस को आप जोड़ रहे हैं तो कॉमा की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, एलियन एंड प्रीडेटर्स, यहां पर कॉमा की कोई जरूरत नहीं है। बाय द बीच और ऑन द हिल, कॉमा की जरूरत नहीं है। व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट, तो यहां पर ये जो क्लॉजेज हैं ये डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। ये पूरे अपने आप में सेंटेंसेस नहीं हैं, इसमें कुछ और आपको जोड़ना पड़ेगा। व्हाट यू सी इज क्वाइट गुड, ऐसे बनाना पड़ेगा ये सेंटेंस। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हैं, इनको आप आपस में जोड़ सकते हैं कोऑर्डिनेटर से, लेकिन इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए, इफ ऑन द अदर हैंड यू आर लिंकिंग मोर देन टू वर्ड्स फ्रेजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस टुगेदर, अ सीरीज ऑफ कॉमास मस्ट बी प्लेस्ड इन बिटवीन द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर तो कॉमा आए गई ही, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे स्पाइडर्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन, तो यहाँ पर तो ये एक्चुअली सीरीज है, तो यहाँ पर तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ये कॉमा सही है। इन द बेडरूम कॉमा, इन द गैराज कॉमा और एट द गार्डन, ये सीरीज है। तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेटर से पहले आपको ये कॉमा यहाँ पर ये लगाना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज जो दोनों जुड़े हुए एंड से, यहाँ पर कॉमा की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सीरीज है पूरी, स्पाइडर स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन, ये सीरीज है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा कॉमा। इन द बेडरूम कॉमा, इन द गैराज और एट द गार्डन, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना होगा। देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लास्टली फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो, अभी हमने किसकी बात की थी, डिपेंडेंट क्लॉजेस की, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब आप कोऑर्डिनेटर से जोड़ते हैं तो उसके पहले कॉमा लगाना अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैसेंड्रा फेल असलीप सो जोकेन जस्ट वेंट होम। तो यहाँ पर सो लगा हुआ है, कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन है, तो इससे पहले, चूंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये अपने आप में पूरा अर्थ, पूरा इनका मीनिंग निकल रहा है, तो इसलिए सो से पहले यहाँ पर कॉमा लगाना इसमें ज़रूरी है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, और वो फॉर्मूला है फैन बॉयज, जिसमें एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नॉर, बी का मतलब है बट, ओ का मतलब है और, वाई का मतलब है येट, और सो का मतलब, एस का मतलब है सो। तो फैन बॉयज ये होते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ये एक जनरल आइडिया है, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन इतने आपको, इसको आप इस फॉर्मूले से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ केवल बेसिक्स आपको बताए हैं कंजक्शन के, आगे वाली जो क्लासेस आएंगी उसमें एडवांस कॉन्सेप्ट्स, एडवांस क्वेश्चंस, गलत और सही क्वेश्चंस, बैंकिंग एग्जाम और एसएससी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे डिस्कस होंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको पहले बेसिक्स को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक है तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।